स्टूडेंट्स तो so आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर सेवेंटी और आज की वर्कशीट जो है ये प्रोबेबिलिटी मिसलियस क्वेश्चन है मीन्स आप जो कर चुके हैं लास्ट वर्कशीट्स उन्हीं पर बेस्ड आपको एक वर्कशीट दी गई है और उन उन्हीं की तरह आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं तो चलिए इन्हें भी देखते हैं और समझते हैं कि आपको ट्राई और सिर्फ के फोर क्वेश्चंस तो जो दिए गए हैं वो क्या हैं एग्जांपल्स में भी आपको थ्री क्वेश्चंस दिए गए हैं लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल पॉइंट एट सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एरो है ठीक है इस एरो आप गेम खेल रहे हैं ठीक है यहाँ पे इस एरो को क्या करना है ये सर्कुलेट होगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको बतानी किन किन चीज़ों की एट आने की प्रोबेबिलिटी कि वो एरो जो है वो एट पे जाके अगर टिकेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन ऑड नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अ नंबर ग्रेटर देन टू टू से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन अ नंबर लेस देन नाइन नाइन से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो so, यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे सो so बहुत सिंपली है कि आप इसको लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अगर एट का आप देखें तो एट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन सो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं टोटल आउटकम्स एट हैं सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वन बाई एट देन सेकेंड है एन ऑर्ड नंबर तो एन ऑड नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फोर है ठीक है लाइक थ्री फाइव सेवन एन वन सो ये फोर है देन फोर बाय एट फोर बाई एट को सिम्पलेस फॉर्म में वन बाय टू भी लिख सकते हैं देन इसके बाद ऐसे ही है अ नंबर ग्रेटर देन टू टू से बड़ा नंबर जो है आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्स डिजिट्स हैं सो यहाँ पे सिक्स बाई एट ठीक है आपका जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी सिक्स बाई एट सिम्पलेस फॉर्म में थ्री बाय फोर देन फेवरेबल आउटकम अगर आप देखें अ नंबर लेस देन नाइन नाइन से कम आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी सो ये होगी एट बाई एट जिसे आप कैंसिल करेंगे सो आंसर आ जाएगा वन ओके देन ऐसे ही आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है इसमें आपको बोला गया है कि आ लॉट कंसिस्ट ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी फोर बॉल पेन्स विच ट्वेंटी आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर वॉट इज़ द प्रोबलिटी डैट शी विल बाई इट एंड शी विल नॉट बाइट सो यहाँ पर आपको बोला गया कि नूरी जो है वो पेन ले रही है उसमें डिफेक्टिव भी हो सकता है और डिफेक्टिव नहीं भी हो सकते हैं तो शॉप कीपर ने उसे क्या दिया है पेन दिया है रैंडमली आपको प्रोबाल्टी बतानी है दो ऑप्शनस हैं कि जो उसने बाई किया है शी विल बाइट उसने लिया शी विल नॉट बाइट उसने नहीं लिया तो टोटल तो पॉसिबल आउटकम्स है वन हंड्रेड फोर्टी फोर फेवल आउटकम है शी विल ओनली बाई गुड पेन सो उसने सिर्फ सही पेन लिए हैं उसकी प्रोबैलिटी सो वन हंड्रेड फोर्टी फोर में से जब वो ट्वेंटी माइनस कर देगी सो so यहाँ पर कितना हो जाएगा वन हंड्रेड so ट्वेंटी फोर सो यहाँ पर उसने लिया है शी विल बाई इट इसकी प्रोबैलिटी होगी वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर अपॉन में वन हंड्रेड फोर्टी फोर और इसे सिम्पलेस फॉर्म में थर्टी वन अपॉन में थर्टी सिक्स भी लिख सकते हैं देन इसके बाद जो सेकेंड है आपका ऑप्शन वो है फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम शी विल नॉट बाई इट डिफेक्टिव पेन उसने डिफेक्टिव पेन नहीं लिया तो इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है ट्वेंटी सो so यहाँ पे ट्वेंटी बाई वन हंड्रेड फोर्टी फोर सिम्पल फॉर्म में फाइव बाई थर्टी सिक्स भी आप इसे लिख सकते हैं देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स थ्री थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स एक बैग है जिसके अंदर थ्री रेड बॉल्स हैं और फाइव कितने हैं ब्लैक बॉल्स हैं अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वट इज़ द प्रोबैलिटी डेट द बॉल ड्रॉन इज़ सो यहाँ पर एक बॉल निकाली जा रही है किससे बैक से ठीक है और उसकी प्रोबैलिटी क्या होगी ये बतानी है तो यहाँ पर अगर ब्लैक बॉल अगर आप देखें तो उसकी प्रोबैलिटी बतानी है इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए फर्स्ट है रेड बॉल आने की सेकेंड है ब्लैक बॉल आने की थर्ड है नाइदर रेड और नॉर आ ब्लैक न रेड हो ना ब्लैक होल फोर्थ है नॉट अ ब्लैक बॉल सो इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे सो टोटल आउटकम्स कितने एट है फेवरेबल आउटकम अगर रेड बॉल का देखें तो वो कितने हैं थ्री हैं ठीक है सो so, ये कितना हो जाएगा थ्री बाय एट दैन इसके बाद सेकेंड है फेवरेबल आउटकम ब्लैक बॉल के कितने हैं फाइव सो यहाँ पे फाइव बाई एट हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी थर्ड है फेवरेबल आउटकम नाइदर अ रेड बॉल नॉर अ ब्लैक बॉल सो यहाँ पे हो जाएगा जीरो ठीक है तो ज़ीरो बाई एट मीन्स ज़ीरो देन फोर्थ है नॉट अ ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए सो so इसमें आप क्या करेंगे वन माइनस आप डार्ट द बॉल ड्रॉन इज़ ब्लैक सो यहाँ पे आप क्या करेंगे जो ब्लैक बॉल है ठीक है इससे आप यहाँ पे सब कर देंगे सो so यहाँ पे कितना है फाइव बाई एट ठीक है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी सो फाइव बाई एट को अगर वन से सब करेंगे सो so यहाँ पे वन माइनस फाइव बाई एट है ठीक है so सो यहाँ पे वन वन और एट कैल्शियम ले लेंगे देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एट माइनस फाइव अपॉन में एट देन इसका आंसर आ जाएगा थ्री बाई एट तो आप ऐसे ही लिखेंगे और आप आंसर देखेंगे कि यहाँ पे थ्री बाई एट आ रहा है देन ट्राई इट योर सेल्फ के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें आपको फोर क्वेश्चंस दिए गए हैं वन टू थ्री फोर ठीक है इन्हें आपको सॉल्व करना है इसके अलावा आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सी भी मैसेज दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली अपने हाथों को पानी से और सोप से बार बार धुलें वॉश करें और अपना ध्यान रखें सो so, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु whose uh, six faces shown the letters as given. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? So यहाँ pe आपको probability A और D आने की बतानी है अगर आप ध्यान से देखिए तो A जो है वो two times है और D यहाँ पे कितना hai one time है ठीक है इसके अलावा सिक्स faces आपको ऑलरेडी कहा गया है सो so, यहाँ पे सिक्स faces है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है die में सिक्स faces होते हैं तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टू बाय सिक्स होगी ठीक है यहाँ टू टाइम्स है सो इसकी होगी टू बाय सिक्स ठीक है इसके अलावा डी की प्रोबेबिलिटी देखे तो ये होगी वन बाय सिक्स ठीक है इसे लिखेंगे कैसे चलिए ये भी देख लेते हैं प्रॉपरली तो सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी ए एंड डी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे सिक्स फर्स्ट जो है आपका पॉइंट ये लिखेंगे आप फेवरेबल आउटकम कितने हैं ऑफ़ ए टू हैं पी गेटिंग ऑफ ए ठीक है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे चाहे तो आप एक ही बार लिख सकते हैं इसे ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं तो आपको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे अलग अलग ठीक है सो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप फेवरेबल आउटकम में पॉसिबल आउटकम ठीक है जो भी तो, टो, टोटल पॉसिबल आउटकम है उसके बाद आप लिखेंगे टू बाई सिक्स सिंपलेस फॉर्म में वन बाई थ्री द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग ए इज़ वन बाय थ्री ऐसे ही आपको सेकेंड भी करना है फेवल आउटकम ऑफ डी इज़ वन ठीक है वन है इसका देन गेटिंग ऑफ डी फेवल आउटकम अपन में टोटल पॉसिबल आउटकम और इसे आप लिखेंगे वन बाय सिक्स देन लास्ट स्टेटमेंट होगी द प्रोबालिटी ऑफ गेटिंग डी इज वन बाय सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक कंटेन्स फाइव रेड मार्बल्स एट वाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स वन मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम वट इज़ अ प्रोबैलिटी डेट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन सो यहाँ पर आपको तीन जो है पॉइंट्स पूछे गए चलिए इनकी प्रोबैलिटी देख लेते हैं आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं फाइव एट और फोर तीनों को एड कर देंगे सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सेवेंटीन तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सेवेंटीन पी ई फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम अगर आप इसे सबसे पहले लिख देंगे तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है देन इसके बाद आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं फाइव हैं रेड मार्बल आने के ठीक है और प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे पी रेड मार्बल फाइफ अपॉन में सेवनटीन ठीक है देन ऐसे ही सेकेंड में फेवरेबल आउटकम एट है वाइट मार्बल के और प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट मार्बल की एट बाय सेवेंटीन देन इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड वो है फेवरेबल आउटकम फाइव प्लस एट इक्वल थर्टीन ठीक है फेवरेबल आउटकम जो है नॉट अ ग्रीन मार्बल ग्रीन मार्बल न आने की तो वो हो जाएगी थर्टीन बाई सेवेंटीन प्रोबैलिटी इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइव बाय सेवनटीन वाइट मार्बल आने की एट बाय सेवनटीन एंड नॉट अ ग्रीन मार्बल इसकी होगी थर्टीन बाई सेवेंटीन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड अ बुक कंटेन्स नाइन्टी पेजेस विच आर नंबर्ड फ्राम वन टू नाइन्टी इफ वन पेजिस ओपन एट रैंडम फ्राम द बुक फाइन द प्रोबलिटी डैट इज डैट इट विल बी सो यहाँ पे आपको बोला गया कि एक बुक है जिसमें नाइन्टी पेजेस हैं आपको यहाँ पर नंबर दिया गया वन टू नाइन्टी ए वन पेज इज़ ओपन एट रैंडम फ्रॉम द बुक कोई भी एक पेज ओपन किया जाता है बुक से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पॉइंट है आ टू डिजिट नंबर टू डिज़िट का नंबर होना चाहिए दूसरा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और थर्ड है अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव सो ऐसा नंबर होना चाहिए जो फाइव से डिविजल हो सो so यहाँ पर आप सोल्यूशन देखेंगे कि सबसे पहले टोटल आउटकम कितना नाइन्टी फिर फॉर्मूला लिखेंगे पीई फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आपको बताना है टू डिजिट नंबर तो टू डिजिट के लिए आपको क्या देखना है कि वन से लेकर नाइन तक नंबर जो होंगे वो होंगे वन डिज़िट के सो यहाँ पे टोटल नाइन नंबर आपको सब कर देना है ठीक है तो इसको जब सब करेंगे सो आंसर क्या आ जाएगा एट्टी वन तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर की एट्टी वन में नाइन्टी प्रोबेबिलिटी होगी उससे सिम्पलेट फॉर्म में नाइन बाई टेन भी आप लिख सकते हैं देन सेकेंड है फेवरेबल आउटकम इसमें आपको बताना है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है वन टू नाइन्टी सो इसमें अगर आप देखें तो वन की क्या होगी वन uh, का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वन टू का होगा फोर थ्री का होगा नाइन ही अगर आप देखें तो टोटल आपके यहाँ पे हो जाएंगे नाइन डिजिट्स ठीक है जिनका परफेक्ट स्क्वायर आप देखेंगे सो यहाँ पे नाइन हो जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नाइन बाई नाइन्टी सिम्पलस फॉर्म में वन बाई टेन आफ्टर दिस जो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फेवरेबल आउटकम्स आपको बताना है नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव फाइव से डिविजिबल होने वाले नंबर सो आपको वन से नाइन्टी तक देखना है कौन कौन से हैं सो so, ये होंगे टोटल एटीन और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एटीन बाय नाइंटी सिम्पलेस फॉर्म है टू बाय टेन देन इससे भी सिम्पलेसट फॉर्म होगी वन बाय फाइव आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ बॉक्स कंटेन्स फाइव आयरन ब्लॉक्स एंड एंड एन वुडन ब्लॉक्स इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वुडन ब्लॉक इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ द आयरन ब्लॉक देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन हिंड सो या यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हिंड दिया गया है कि आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखना है फाइव प्लस एन क्योंकि आपको बोला गया है कि फ़ाइव आयरन ब्लॉक हैं और एन वुडन ब्लॉक हैं एन ठीक है N, तो ये क्या हो जाएगा फाइव प्लस एन ठीक है टोटल पॉसिबल आउटकम्स और पी यहाँ पे आपको बोला गया कि गेटिंग वुडन ब्लॉक्स यहाँ पे आपको क्या लेना है थ्री और थ्री के मल्टीप्लाई में आपको ले लेना है जो आपके वुडन ब्लॉक्स यहाँ पे आपको दो दिए गए हैं आयरन ब्लॉक्स और वुडन ब्लॉक्स चलिए सॉल्यूशन देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे ये हैं फाइव प्लस नाइन पी गेटिंग आयरन ब्लॉक आयरन ब्लॉक जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइव अपॉन में फाइव प्लस एन देन इसके बाद पी गेटिंग वुडन ब्लॉक वुडन ब्लॉक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फाइव जैसे आपके यहाँ थी फाइव अपॉन में फाइव प्लस एन ऐसे यहाँ होगी एन अपॉन में फाइव प्लस एन आफ्टर दिस पी गेटिंग वुडन ब्लॉक ठीक है और इसको आप में रखेंगे थ्री मल्टीप्लाई पी गेटिंग आयरन ब्लॉक ओके जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ लिखेंगे इसके बाद आप देखेंगे कि फाइव प्लस एन और फाइव प्लस एन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे बचेगा एन और यहाँ बचेगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव सो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एन की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन द वैल्यू ऑफ़ एन इज फिफ्टीन सो यहाँ पर आपका सोल्यूशन कम्प्लीट होता है ओके आफ्टर दिस आप सभी आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और नोट करेंगे कि आपकी सभी वर्कशीट्स आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें